केंद्र की मोदी सरकार के शासन में हालात इतने खराब हो गए कि अब लोकतंत्र और संविधान पर भी खतरा उत्पन्न हो रहा। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां आटे पर भी केंद्र सरकार ने टैक्स लगा दिया है। केंद्र सरकार जनहित के मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है, ये बात पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कही। डोटासरा आज अपने सीकर के नवलगढ़ रोड स्थित आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा क्रांति दिवस पर तिरंगे यात्रा की जानकारी दे रहे थे। डोटासरा ने कहा कि 9 अगस्त को क्रांति दिवस के मौके पर पार्टी हर ब्लॉक और जिले में तिरंगे के साथ 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेगी। हर जिले में पार्टी के कार्यकर्ता 75-75 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। इसके बाद 15 अगस्त को पार्टी स्टेट लेवल का एक सम्मेलन भी करेगी। डोटासरा ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए और शहादत दी। वर्तमान में लोकतंत्र और संविधान को खतरा उत्पन्न हो गया है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है, ऐसा डोटासरा की तरफ से बयान सामने आया। अगली खबर लखनऊ से है, जहां एडीजी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 93 में दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया है एडीजी ने, और उन्होंने कहा कि श्रीकांत त्यागी द्वारा महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसका शासन ने गंभीरता के साथ संज्ञान लिया है। उस संबंध में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए तत्काल निर्देश दे दिए गए हैं, अभी तक कार्रवाई की गई है। वहीं कहा गया है कि प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। सोसाइटी में एक सब इंस्पेक्टर 4 कांस्टेबलों की ड्यूटी लगाई गई थी, अपने कार्य को ढंग से न करने के लिए उनको निलंबित कर दिया गया है। एडीजी ने यह जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान दी। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 93 में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें कि श्रीकांत त्यागी द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, की घटना को शासन ने तथा डीजीपी यूपी ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल निर्देश दिए गए। अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें वहाँ के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है तथा जो घटना के बाद वहाँ उस सोसाइटी में एक सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु, उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में। अगली खबर एटा से है, जहां 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों के अंतर्गत हुए सड़क हादसे में एक कांवड़िए की मौत हो गई, वहीं 2 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। ये पहली घटना थाना मिराहची क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगला खिल्ली के पास की है, जहां पर एक बाइक पर सवार 2 कांवड़िए ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से घुसे, वहीं एक की मौत बताई जा रही है, एक घायल हो गया है। दूसरी घटना थाना कोतवाली देहात के आर्श गुरुकुल के पास की है, जहां बाइक फिसलने से बाइक सवार कांवड़िया घायल बताया जा रहा। वहीं दोनों जगहों पर मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस ने मृतक कांवड़िए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दोनों घायल कांवड़ियों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर उनका उपचार जारी है। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर हुसैन का मातम मनाया जा रहा। आपको बता दें कि ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये गमे हुसैन का मातम है जो गाजीपुर के पहेतिया में मनाया जा रहा। आपको बताते चले कि मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। ये महीना मुस्लिम समुदाय के शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोगों के लिए बेहद अहम माना जाता है। इस साल मुहर्रम की शुरुआत 31 जुलाई से हो चुकी है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे अशूरा
के नाम से जानी जाती है, जो देश भर में 9 अगस्त को मनाया जाएगा। यह इस्लाम धर्म का प्रमुख दिन होता है। कहा जाता है कि मुहर्रम के महीने में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, उनकी याद में उनके मानने वाले मातम करते हैं। आपको बताते चले कि हजरत इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे थे। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम के महीने के 10वें दिन को लोग मातम के तौर पर मनाते हैं, जिसे आशूरा कहा जाता है। पर्चे बताएं। हमारा नाम मुन्नू खान है, मैं सरौली पैतिया कराने वाला हूं और ये मोहल्ले का नाम लच्छू का पूरा है। आज मुहर्रम का त्योहार है, ये जुलूस निकला, कहाँ से कहाँ निकलता, कब खत्म होता है? ये लच्छपुरे से निकल करके पूरी रात लच्छपुरे के मोहल्ले में रहता है और यहाँ से गमे हुसैन मनाते हुए हम लोग पूरे मोहल्ले के लोग जो है दूसरे मोहल्ला एक छावनिया पड़ता है जिसमें जाते हैं और उस मोहल्ले से जो है जुलूस आता है और सब एक दूसरे से गले मिल करके गमे हुसैन मनाता है।